रात के करीबन 1 बज रहे थे। राज अपनी मोटरसाइकिल से जा रहा था, तभी उसे सड़क पर एक खूबसूरत सी लड़की दिखी। उस लड़की को देख मालूम पड़ रहा था कि वो स्वर्ग से उतर कर यहाँ पर आई हो। उस लड़की ने राज को आवाज़ लगाई, रुक जाओ प्लीज, मुझे लिफ्ट चाहिए। मैं क्यों करूँ तुम्हारी हेल्प, मुझे क्या मिलेगा? हाँ, जो तुम चाहो। राज काफी चौक सा गया था। उस लड़की के चेहरे पर जरा भी शर्म नहीं थी। राज ने तभी बड़े ही अदब से कहा, देखो मैं तुम्हें आगे वाले रोड पर छोड़ सकता हूँ, बस इतना ही हो सकता है मुझे। कहते हैं ना, जब इंसान बिना कुछ समझे फैसला लेता है तो उसे उसी समय अपनी गलती को सुधार लेना चाहिए। ठीक ऐसा ही इधर भी हुआ था। राज ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी उस अनजान लड़की को लिफ्ट देकर। ये देखा जाए तो तुम काफ़ी खूबसूरत हो, जो तुम्हें देखे तुम्हारा दीवाना हो जाए। क्या तुम सिंगल हो? हाँ, कई सालों से मुझे किसी की तलाश थी, काफी भूखी भी हूँ। क्या? वक्त राज के समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है। तभी उसे याद आता है कि उसकी माँ ने जो कहा था, अल्मोड़ा के रोड पर आज भी चुड़ैल घूमती है, जो लड़के के साथ पहले गलत करती है फिर उन्हें कच्चा जवा कर खा जाती है। अब क्योंकि राज को लगा ये लड़की काफ़ी अलग है, ये भूत कभी नहीं हो सकती। मगर जब उसकी नज़र बाइक के पीछे बैठी चुड़ैल पर गई मिरर से, तो उसके दिल की धड़कनें रुक सी गई। वो चीख उठा, आह! उसकी बाइक का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया। होगा आगे, क्या राज मर जाएगा या फिर इस खड़ी में वो बचकर भाग जाएगा? पूरी कहानी सुनते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हैरी कश्यप को, और सुनते रहिए यक्षिणी।